नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी पैटर्न यूपी बोर्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो इसको जो है हम लोग कैसे करेंगे, अगर इससे पहले के जो भी वीडियो जो स्टूडेंट देखे होंगे वे इसको जो है समझ पा रहे होंगे कि कैसे करना है, क्योंकि हमने इससे संबंधित जो है 6 से लेकर 8 10 तक जो है सभी एग्जांपल्स बताए हैं। अगर जो भी स्टूडेंट इस एग्जांपल को देखे होंगे तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 आराम से कर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी आराम से कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि दो बिंदु हैं आपके, दो बिंदु दिए हुए हैं, बिंदु ए मान लीजिए और इसको बिंदु बी मान लीजिए, ठीक है। ए का निर्देशांक दिया हुआ है -1 और 7 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 4 -3। दोस्तों साथ ही साथ आप लोग इसको नोट करते चलो तो और बेहतर रहेगा, तो अपने कापी पे जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। ये जो है बेसिक सवाल है और यहाँ से जो है क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ये निर्देशांक ज्यामिति थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब आपको आ रहा है कि इस पे कोई बिंदु है जो इसको जो है 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, मान लीजिए ये बिंदु यहाँ पे स्थित है जो इस रेखा को क्या करता है 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो इसके जो है निर्देशांक हम लोग को यानी कि यक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। और हम लोग को जो है ये जो है रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम लोग को क्या क्या जो है यहाँ से दिया गया है, तो हल में जो हम लोग लिख सकते हैं, हल में हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इसको यक्स वन कहेंगे, इसको वाई वन कहेंगे, इसको यक्स टू कहेंगे, इसको वाई टू कहेंगे। मैंने यक्स वन का मतलब -1, वाई वन का मतलब 7, यक्स टू का मतलब 4, वाई टू का मतलब -3, ठीक है। और अनुपात देखा जाए तो यम वन का मान जो है क्या हो जाएगा 2 और यम टू का मान हो जाएगा 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यक्स वन बराबर कितना हो रहा है तो -1, वाई वन बराबर कितना हो रहा है तो वाई वन बराबर हो रहा है 7, ठीक है। इसके बाद से यक्स टू का मान लिख लेते हैं 4 है तो 4, और यक्स थ्री वाई टू का मान कितना है तो -3, तो -3 लिख लेते हैं, ठीक है। और यम वन का मान कितना हो जाएगा 2 और यम टू का मान कितना हो जाएगा 3, ठीक है। बस ये इतना डाटा हम लोग को चाहिए तो इन इसका जो है निर्देशांक निकल जाएगा, ठीक है। अब इसका जो है यक्स निकालने का सूत्र क्या होता है और वाई निकालने का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो पी बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए यानी कि यक्स और वाई निकालने के लिए, यक्स वाई निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है लिखेंगे क्या, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र आप लोग को बता चुके हैं एग्जाम्पल वगैरह, तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो विभाजन सूत्र हम लोग का क्या कहता है कि इसका यक्स निकालना है तो यक्स बराबर, ठीक है, तो यक्स बराबर क्या हो जाता है यम वन इंटू यक्स टू प्लस में यम टू इंटू यक्स वन होता है, ये विभाजन सूत्र, ठीक है। और बट्टे में क्या हो जाता है यम वन प्लस यम टू हो जाता है। अगर y निकाला जाए तो y बराबर क्या होता है इसका y, तो देखिए दोस्तों यक्स जब निकाल रहे हैं यक्स बिंदु का निर्देशांक तो जो है इसमें यम वन के साथ यक्स टू का गुणा हो रहा है और यम टू के साथ यक्स वन का गुणा हो रहा है। जब y निकालेंगे तो यम वन के साथ वाई टू का गुणा करेंगे धन में, यम टू के साथ वाई वन का गुणा करेंगे और बटे में क्या लिखेंगे यम वन प्लस यम टू लिखेंगे, ओके। अब ये सब मान कहाँ से आएगा तो यहाँ से आएगा, इसमें भर देना है तो इसका यक्स निर्देशांक निकल जाएगा, इसका वाई निर्देशांक निकल जाएगा। अब इसमें मान हम लोग रख देते हैं, यम वन का मान यहाँ पे 2 हमने लिया है क्योंकि पहले
दो है तो दो माई दो संबंध है तीन का अनुपात दिया है। दो संबंध है तीन का मतलब कि M1 संबंध है, अगर हम M2 से जो है तुलना करें तो M1 का मान दो और M2 का मान तीन होगा। तो अब देखिए M1 का मान यहाँ पे भर देना है दो इंटू X2 का मान, देखिए तो X2 का मान हम लोगों को यहाँ पे ले लेना है चार, ठीक, प्लस M2 का मान तीन, M2 बराबर तीन है तो M2 थ्री इंटू X1 का मान -1 है तो -1 ले लेना है। ओके, अब बटे में जो है क्या हो जाएगा, M1 धन M2 तो 2 अधन 3, यही है ना, M1 का मान 2 और M2 का मान 3 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करते चलेंगे तो अब 4 दूना 8 प्लस, देखिए अब +3 है -1 है तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो चिन्ह माइनस का आएगा, चिन्ह किसका आएगा माइनस का, और 3 एकम 3, 3 एकम 3 बट्टे में 3 2 5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 में से 3 जा 5, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 1। ओके, अब वाई निकालते हैं हम लोग, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू M1 की वैल्यू क्या है 2 है इंटू Y2, तो Y2 की वैल्यू -3 है तो -3, और वही यहाँ पे देखते रहिएगा आप लोग, -3 है Y2 की, और यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस, उसके बाद से M2 तो M2 का मान 3 इंटू Y1, Y1 का मान आपका दिया हुआ है 7, बटन में लिख देना है कितना है M1 धन M2 यानी कि 2 अधन 3। ठीक, अब देखिए ये प्लस में 2 है माइनस में 3 है, प्लस माइनस का गुणा होगा तो 3 दूना 6 माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए दोनों प्लस है तो 7 तरीके 21 प्लस में रहेगा, 21 क्या रहेगा प्लस में रहेगा, 3 2 5। यहाँ पे देखिए 21 में से जो है हम लोगों को 6 को घटाना पड़ेगा तो 11 में से 6 जा 5 और 1 का 1 को रहेगा, ठीक है, यानी कि 21 में से 6 घट जाएगा 15 हो जाएगा, और चिन्ह क्या आएगा तो प्लस का चिन्ह ज़्यादा है तो इसलिए चिन्ह प्लस का ही रहेगा और बटे 5, तो 5 3 15 यानी कि वाई का मान कितना हो जाएगा, तो वाई बराबर हो जाएगा 3 और एक्स बराबर हो जाएगा आपका 1। तो कहने का मतलब यह है कि इसका निर्देशांक हम लोग पी बिंदु का निर्देशांक बता सकते हैं कि 1 और 3 है, क्या है 1 और 3, ठीक है। तो इसका जो है पी बिंदु का निर्देशांक निकल चुका है, पी बिंदु का निर्देशांक हम लोग लिख सकते हैं 1 और 3। ओके, तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 बिंदु दिया हुआ है और इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदु वो के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। भाई जो भी स्टूडेंट अगर इसके पहले के एग्जाम्पल देखे होंगे तो उनको यह जो है सवाल एकदम जो है आसानी से समझ में आ पा रहा होगा, और जो नहीं देखे होंगे तो वे लोग जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाके पहले उसको देख लीजिए, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए दोस्तों, बिंदु जो है 2 बिंदु दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, 2 बिंदु हम लोग मान लेते हैं कि एक ए है और एक बी है, ठीक है। कह रहा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, तो समत्रिभाजन का आप लोग को बताया गया है कि इस पे 2 गो बिंदु बैठा होगा जो इसको 3 खंडों में बराबर बराबर विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो 2 बिंदुओं का इनका निर्देशांक ज्ञात करना है, मान लीजिए हम लोग इसको पी बिंदु कहते हैं और इसको क्यू बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, चूँकि आप लोग को जो भी एग्जाम्पल पढ़े होंगे तो उनको बताया गया होगा कि इस पी बिंदु का निर्देशांक निकालना है, तो यह पी बिंदु इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो इस रेखाखंड को यह पी बिंदु 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। आ क्यू बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा अगर देखा जाए तो 1:2, आइए किधर से मना देखिए 1:2 के अनुपात में कैसे है पी बिंदु इसको विभाजित कर रहा है, तो इधर से जो है 1 खंड के बाद है ये पी और इधर से 2 खंडों के बाद है तो 1:2 के अनुपात में यह विभाजित कर रहा है, ठीक है। इधर से देखिए क्यू किस अनुपात में विभाजित करेगा इस रेखाखंड को, इधर से 2 खाना बाद है और इधर से 1 खाना बाद, तो ये 2 संबंध है 1 के अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। तो इसका अनुपात मानी क्यू बिंदु के लिए अनुपात 2:1 लेंगे और पी बिंदु के लिए अनुपात
एक संबंध दो लेंगे तो आराम से इसका जो है निर्देशांक निकल जाएगा और इसका जो है निर्देशांक निकल जाएगा। ठीक है, इसको जो है सॉल्व कैसे करेंगे तो आप लोगों को जो है बताते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, इस बिंदु को जो है दिया हुआ है, क्या है, ए बिंदु दिया हुआ है, 4 माइनस में 1 दिया है, और बी बिंदु दिया हुआ है 2 माइनस में 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोगों को लिखेंगे, चूँकि ये समद्विभाजित कर रही हैं पी और क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि यहाँ पे लिख लेंगे कि मान लीजिए, माना इसको, इस पे एग्जांपल नंबर आपका 8 जो है काम कर जाएगा, एग्जांपल नंबर 8 सेम ऐसे ही है। ठीक है, तो माना क्या लिखेंगे, माना माना कि ए बी रेखाखंड को, माना कि ए बी रेखाखंड को समद्विभाजित करने वाले बिंदु, समद्विभाजित का मतलब सब सब माने बराबर, त्रिभाजित माने 3 भागों में, यानी कि 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु, समद्विभाजित करने वाले बिंदु, करने वाले बिंदु क्या है, पी और क्यू है, पी पी और क्यू है, पी और क्यू है जो इसको समत्विभाजित कर रही है। ठीक है, समत्विभाजित का मतलब ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, और ये भी बराबर है। ठीक है, समत्विभाजित बिंदु पी और क्यू है। ठीक है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कौन सी, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ए पी बराबर होगा पी बी के, पी क्यू के, और पी क्यू बराबर होगा क्यू बी के, पी क्यू बराबर होगा क्यू बी के। ठीक है, ये जो है सब बराबर है। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं, अब हम लोग लिखेंगे कि चूंकि चाहे लिख सकते हैं बराबर हैं, अतः हम लोग लिख सकते हैं, माने ये देखिए, ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, तो यदि पी इस पे बैठा हुआ है तो पी का अनुपात हम लोग देखें तो 1:2 होगा, क्योंकि इधर से 1 खाना बाद है और इधर से 2 खाना बाद है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पी रेखाखंड ए बी को आंतरिक रूप से बाबू ऐसे ही जो है आप लोगों को लिखना पड़ेगा परीक्षा में, तभी जो है पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए लिखना पड़ रहा है, रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, में विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है, अतः पी बिंदु के निर्देशांक सूत्र से, अतः पी बिंदु पी के निर्देशांक सूत्र द्वारा, हम लोग जो है अब इसका मान निकाल सकते हैं। तो पी बिंदु के निर्देशांक सूत्र, मान लीजिए इसका एक्स वाई निकालना है। ठीक है, इसका जो है एक्स वाई निकालना है। ठीक है, तो पी बिंदु के निर्देशांक सूत्र द्वारा हम लोग लिख सकते हैं क्या, पी बिंदु के निर्देशांक सूत्र यानी कि पी एक्स वाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं कौन सी, पी एक्स का निर्देशांक निकालने के लिए सूत्र होता है m1 into x2 + m2 into x1 होता है। अब बटे में क्या हो जाता है, m1 धन
एम टू हो जाता है, हो जाता है। और वाई के लिए जो है क्या हो जाएगा, तो एम वन इंटू वाई टू अब प्लस में एम टू इंटू वाई वन अब बटे में हो जाता है एम वन प्लस एम टू हो जाता है, हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग अब डायरेक्ट जो है एक्स और वाई निकालते हैं, ये जो है एक्स वाई समझ लीजिए। तो अब इसके लिए जो हम लोग क्या करेंगे, तो एम वन का मान एक रखेंगे और एम टू का मान दो रखेंगे। तो एम वन का मान एक है इंटू एक्स टू, तो एक्स टू का मान यहाँ से लेंगे माइनस में दो, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस एम टू इंटू एक्स वन, तो एम टू का मान हो जाएगा कौन सी, दो, और एक्स वन का मान कितना हो जाएगा, तो चार। अब बटन में जो है क्या लिख देना है, एक धन दो, एक धन दो, ठीक है। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कौन सी, प्लस में एक है माइनस में दो है, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस में दो होगा। अब प्लस में चार दूना आठ हो जाएगा, अब बटन में हो जाएगा 12। बराबर इसको लिख सकते हैं 8 में से 2 जा 6 है, 6 12 नहीं है, एक अधन दो कितना हो जाएगा, 3 होगा ना, एक धन दो 3 हो जाएगा, ठीक है। एक धन दो तो 3 हो गया, अब 3 तो 3 दूना 6 यानी कि हो जाएगा 2। तो एक्स की वैल्यू हो गया 2। अब वाई निकाल लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे वाई बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे वाई बराबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, वाई होता है, ठीक है। तो वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका मान भर देंगे, एम वन का मान एक इंटू वाई टू, तो वाई टू का मान माइनस में 3 है, तो माइनस में 3। अब प्लस में जो एम टू, तो एम टू का मान जो है 2 लेंगे इंटू वाई वन, तो वाई वन का मान माइनस एक है, तो माइनस एक ले लेंगे। अब बटे में एक धन 2 कर देंगे, बराबर। अब माइनस 3 का एक में गुणा होगा तो माइनस में 3, और माइनस प्लस का गुणा होगा तो चिन्ह माइनस का आएगा यहाँ पे, माइनस प्लस का, और 2 हो जाएगा। अब बटे में हो जाएगा कितना, बटे में हो जाएगा 2 × 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 3 × 2 5 हो जाएगा, 3 × 2 5, वो भी माइनस में हो जाएगा, अब बटे में हो जाएगा 3, ठीक है। 3 × 2 5 माइनस में, अब बटे में 3, तो ये हो गया माइनस में 5/3। तो आपका जो पी बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, आपके पी बिंदु का निर्देशांक निकल गया कौन सी, एक्स का मान 2 और वाई का मान माइनस में 5/3, तो पी का निर्देशांक हो गया माइनस में 5/3 और 2, ठीक है। इसी तरह से 2 और माइनस में 5/3 हो गया। अब इसी तरह से क्या करेंगे, क्यू का निर्देशांक निकाल लेंगे। तो क्यू का निर्देशांक के लिए जो हम लोग क्या करेंगे, क्यू के निर्देशांक तो अब हम लोग जो है बस यही लिखेंगे कि यदि अब ए बी को, या पी आंतरिक उपसमूह रहेगा, पी यहाँ पे देंगे, ठीक है, पी आंतरिक रूप से इतना कम पर डिवाइड करता है। इसी तरह से अब क्यू जो है क्या करेगा, इसको किस अनुपात में डिवाइड करेगा, तो लिखेंगे ए बी को क्यू बिंदु आंतरिक रूप से किस अनुपात में विभाजित करेगा, 2:1 के अनुपात में, 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है विभाजन सूत्र से वही लिख देंगे, क्यू के निर्देशांक, अतः क्यू का निर्देशांक विभाजन सूत्र से, निर्देशांक सूत्र द्वारा का के निर्देशांक, के निर्देशांक सूत्र से, निर्देशांक, अब क्यू का निर्देशांक जो है क्या होगा,
क्यू बिंदु क्या मतलब क्यू का जो है एक्स वाई निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे क्यू के वही सूत्र लगाएंगे, ठीक है, यही सूत्र रहेगा और इस सूत्र में हम लोग मान भर देंगे, ठीक है। तो इसमें मान भर दीजिए, सूत्र लिख दीजिए एम वन एक्स टू प्लस में एम टू एक्स वन और बटे में एम वन प्लस में एम टू, और वाई के लिए जो है एम वन वाई टू और प्लस में एम टू वाई वन और बटे में क्या हो जाएगा एम वन प्लस एम टू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एम वन एक्स टू, तो एम वन का मान क्या रहेगा, अब यहाँ एम वन का मान यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा और एम टू का मान 1 हो जाएगा, तो एम वन का मान हम लोग जो है यहाँ पे लेंगे 2 और एक्स टू का मान जो है माइनस में 2 रहेगा, ठीक है, और प्लस में एम टू का मान 1 हो जाएगा और एक्स वन, तो एक्स वन का मान आपका 4 है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे में भाई इसके लिए भी वही रहेगा, सब सब एक्स वन एक्स वन वाई वन वही रहेगा, एक्स टू वाई टू वही रहेगा, ठीक है ना। तो अब फिर जो है 2 धन 1 कर देंगे, ठीक। अब 2 दूना 4 माइनस में 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 प्लस में जो है 4 हो जाएगा, बट्टे में 3 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा 0, ठीक है, तो आपका जो है 0 हो जाएगा। और फिर वाई निकाल लीजिए, तो एम वन का मान 2 ले लेना है, अब वाई टू का मान क्या ले लेंगे तो माइनस में 3 लेंगे और प्लस में जो है एम टू का मान, तो एम टू का मान जो है 1 लेना है और इंटू वाई वन, वाई वन का मान जो है -1 आएगा और बटे में जो है 2 धन 1 करना है, तो इसको कर दीजिए, तो -3 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 3 6 माइनस में 6 और प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस में 1 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 2 1 3, ठीक है। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कौन सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं इतना बराबर माइनस में 7 बटे में 3, ठीक है, तो वाई की वैल्यू प्राप्त हो गई -7/3। तो इस प्रकार हम लोग 0 और -7 प्राप्त किए हैं, ठीक है, 3/3, तो यह जो है क्या हो जाएगा क्यू का एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है, यानी कि क्यू का निर्देशांक क्या हो जाएगा एक्स वाई, क्यू का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 और -7/3, 0 और -7/3 हो जाएगा, और इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा पी का, तो 2 और -5/3, ठीक है, तो यही तो आपका निर्देशांक यही तो पूछ रहा था, ठीक है, तो बस इसको जो है हम लोग दिखा देंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे क्यू का निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक 0 और -7/3, ठीक है, आंसर हो जाएगा। और पी का निर्देशांक भी लिख दीजिएगा एक ही पास, पी का निर्देशांक हो जाएगा 2 और -5/3, ठीक है, पी और क्यू का निर्देशांक निकल गया, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये दोनों सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, यदि वीडियो अगर पहले के देखे होंगे तो, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आता है तो एक कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।